कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हम सबका पुनः स्वागत है हमारे नित्यम भागवत सेवया। नित्य भागवत हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमने अभी तक प्रथम अध्याय का पहला प्रथम स्कंद का पहला अध्याय समाप्त किया है। फिर अभी दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करके करीबन 20वें श्लोक तक पहुंच गए थे। कल 18 से चालू किया था, 18, 19 और 20। कल 3 श्लोक हमने अध्ययन किया और आज हम सब 21वें श्लोक में जा रहे हैं। तो जस्ट फॉर रिवीजन कि जो दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय है स्पेशली, वो डिविनिटी यानी दिव्यता की बात करता है। हमें हमारे लेवल को ऊपर ला रहा है। जैसे भी मैंने बहुत बार समझाया भी आपको कि कर्तव्य होता है, कर्म होता है, धर्म होता है और अध्यात्म होता है। तो कर्तव्य वो होता है कि जब हम कुछ कर रहे हैं और हमें जबरदस्ती भी करना पड़ेगा, भी मजबूरी है उसको बोलते हैं, या उसको हमने अपने ले लिया कि चलो ये करना चाहिए, मैंने इसके लिए ही ये स्वीकार किया था, तो उस स्थिति को कहते हैं कर्तव्य। और जब हम ईश्वर प्रणिधान इस कार्य को करते तो उसको बोलते हैं कर्म, और शास्त्रों के विधि विधानों के हिसाब से काम करते तो उसको बोलते हैं धर्म, और जब इसको भगवान की प्रीत्यर्थ कार्य करते हैं तो उसको बोलते हैं अध्यात्म। यानी उसका डायरेक्ट कनेक्शन सोल से हो जाता है। तो ये जो भागवत है, श्रीमद् भागवतम है, ये हमें हमारे सारे कार्यों को आध्यात्मिक स्तर पे लाके रख देता है, और उस आध्यात्मिक स्तर में भी शुद्ध भाव यानी भक्ति भाव वाले लेवल पे लाके रख देता है। और ये तब संभव है जब हम भक्ति से करें। हाँ, भक्ति योग प्रयोजिता, तब ये संभव है। तो आइए हम सब 21वां श्लोक अध्ययन करें। विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयः, शीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। Thus the knot in the heart is pierced and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees the self as master. तो यहाँ पे जो आंतरिक घिसाई पिटाई है, जो हमने कल भी देखा कि कैसे बर्तन मांजते तो थोड़ा थोड़ा वो रह जाता है कार्बन, उसको घिसना पड़ता है, तो वैसे यहाँ पे हमारे अंदर जो अनर्थ है, अनर्थ मैंने कल भी आपको समझाया, अनर्थ का मतलब अनअर्थ, जो वैल्यूएबल नहीं है परंतु है। अर्थ यानी वैल्यूएबल, अनअर्थ यानी जो वैल्यूएबल नहीं लेकिन हम उसको वैल्यूएबल समझ के लेके बैठे हुए हैं, उसको बोलते हैं अनअर्थ। और कई बार हमें ये अनर्थ ही अर्थ लगता है। अनर्थ प्रवृत्ति को हम अर्थ प्रवृत्ति समझ लेते हैं, यानी जो गलत चीज है उसको हम पोषण करते बैठते हैं और उसे हम एडवांसमेंट समझते हैं। हाँ, जैसे हमारे हमको आज भी याद है, हम लोग कॉलेज जाते थे जब इंजीनियरिंग में, तो वहां पे एक रोड था, सिंहगढ़ रोड है पूना में, आज भी आप जाएंगे तो रोड में बीच में ही एक औरत बैठती थी रोड के बीच में। तभी ऐसे तभी बड़े बड़े रोड भी नहीं थे आज की तरह, मतलब एक ही था जैसे दो गाड़ियां पार हो जाए चुपचाप, इतना ही रास्ता था। उस रोड के बीच में एक औरत बैठी रहती थी, मतलब थोड़ा सा मतलब पागल ही कह सकते हैं, पर बैठी थी। और वो क्या करती थी कि कुछ भी बड़ा बड़ा सामान है ना, वो अपने पास लाके ऐसे रख लेती थी साइड से, सब सब साइड से, और बैठी रहती थी उसके बीच में, रास्ते के बीच में। और अगर और पत्थर भी रखती थी, अगर कोई समझाना है तो पत्थर भी मारती थी। तो और ऐसा था कि गाड़ियों को उधर से एक को रुकना पड़ता था, एक को इधर से निकलना पड़ता था, फिर दूसरा गाड़ी वहां से निकलता था, और उसको अगर किसी ने करता तो गाड़ी तक में पत्थर मारती थी। इसलिए कोई उसको कुछ नहीं बोलता था। वहां से जाने वाले सबको समझ में आ गया कि ये माता पागल है, इसके चक्कर में हम कुछ भी करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब इसको समझाए तो समझाए कैसे, और इसका जो पोजीशन है, तो ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया, इनको सब दो तीन लेडी कांस्टेबल जो लोग भी आए, उठा के एक छोटा कुटीर वहां पीछे बना दिया रस्ते के उस साइड, छोटा झोपड़ी टाइप। अब बोला आप इधर रहो, वो बोली मेरा सामान, तो वो कचरा उठा के लाई थी, बोलते ये मेरा सामान है। तो उसको लोगों ने बोला हम तुमको नया नया लाके देंगे, चिंता मत करो, नया नया लाके देते हैं, तुम यहाँ रहो।
नहीं, वही चाहिए, कचरा ही चाहिए। तो कई बार हम हमारे कचरा को वैल्यूएबल समझते हैं क्योंकि वो हमारा है। तो हम उस कचरे को इतना वैल्यू दे देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये नॉन वैल्यूएबल है, ये हमारे काम का नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब लेके बैठे हैं हम, आज छोड़ना भी नहीं चाहते। तो इधर कहा गया है, जो मैंने आपको समझा है कि जितना इससे पहले भी हमको जो भागवतम में समझ में आया कि धर्म करिए तो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, हर सम सिद्धिर हरितोषण, और उतना करने के बाद आपकी निष्ठा जो है वो भगवान में रह जाएगी, पूरी तरह आपका निष्ठा भगवान में होगा। तो यहाँ कहा गया विद्यते हृदय ग्रंथि ही, हाँ, कि हृदय में जो आपके ग्रंथि है, नॉट्स, हाँ, क्योंकि जैसे जैसे हम इस संसार में काम करते हैं ना, तो इस संसार का काम है आपको बंधन में डालना। आपको प वर्ग याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, प वर्ग, परिश्रम, फेन, बंधन, भय और मृत्यु। तो जो ही आप परिश्रम करते हैं उतने में ही आपका बंधन बन जाता है। हाँ, हम वो गाते ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का। हाँ देखो, ये लोग को भी ज्ञान है, जन्मों का, अनेक जन्मों का है। तो जो ही आप कुछ क्रिएशन करते हैं ना, तो स्वाभाविक रूप से पीछे से आसक्ति की शक्ति जो है आपके ऊपर लग जाती है, अब नहीं चाहोगे तो भी। तो ये अलग ही शक्ति है जो पीछे से आती है और आपको चिपकाती है। अगर आपको मेरा बेटा, मेरी, मेरा प्रॉपर्टी, मेरे कागजात, तो ये मेरे 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 में ही हम लटक जाते हैं। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये हृदय में ग्रंथ बन जाता है, गांठ बन जाता है। कल भी मुझे एक भक्त पूछ रहे थे कि प्रभु जी, देने से बड़ा आनंद होता है, उसका कारण यह है कि सिर्फ लेते रहेंगे ना तो हृदय में भी गांठ बनते रहता है, और देते रहेंगे तो हृदय का गांठ भी छूटते, उदार भाव आ जाता है, तो हृदय का गांठ जो है वो खत्म होते जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय कहा गया है, उदार भाव, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस मतलब जो सब कुछ देने के लिए आए हैं, ले लो, आप ही ले लो, आओ कृष्ण प्रेम लो, हाईएस्ट, आओ ले लो। तो आप देखेंगे जनरली जो ऐसा लेने में रहता है ना, उसका माइंडसेट कम हो जाता है, वीक हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है, उसको बड़ा चीज दिखता नहीं। वो उसका जो आईक्यू है या उसका जो एडवांसमेंट होना, जो उतना है नहीं, और जो देने में लगा रहता है ना, उसको मिलते जाता है और वो देते रहता है। तो ये जो हृदय में गांठ है, इस गांठ को हमें निकालना होगा, लेकिन गांठ निकालना भी इतना आसान नहीं है। जैसे आपने उस स्वेटर बनाते, उसको लोकर बोलते हैं मराठी में, वो जो जिसे स्वेटर बनता है, वूल, वूल इंग्लिश में जिसको वूल बोलते हैं, हाँ, उससे हम लोग, माता जी लोग स्वेटर बनाता है ना, स्वेटर जिससे बनता है। अभी ठंडी का मौसम है, अभी आजकल तो लोग जैकेट और ये सब पहनने लगे, लेकिन पहले स्वेटर तो उससे बनता था, वूल से। तो वो जो है, उसका गोला आता था, गोला, और उसका गोला जब वो लोग छोड़ के कुछ बनाते तो बाद में ना वो गांठ बन जाता था, इसे मैच टेप। अब यहां से निकालो तो यहाँ गांठ बन जाता है, यहां से निकालो तो यहाँ गांठ बन रहा है, तो लास्ट में वो लोग उधर से काट देते, खींची काट दे इसको, खत्म करो। तो ये जो गांठ हमारे हृदय में बना हुआ है ना, ये गांठ निकलेगा ही नहीं, आप इसको कैसे भी निकाल लो, आप इस संसार से भाग के जा नहीं सकते। तो गांठ जब निकलेगा नहीं तो काट के हटा दो। तो इसलिए काट के हटाने के लिए श्रीमद् भागवतम है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। और आपका जितना संशय है, जितना भी आपका संशय है, जितने भी आपको सवाल आए हुए हैं, ये सारे संशय भी हट जाएंगे। हाँ, छिद्यन्ते सर्व संशयः, शीयन्ते चास्य कर्माणि एवं दृष्ट एवात्मनिश्वरे। ना, इससे वो आत्मा निश्वर है, मतलब अपने आप को जान जाता है। देखिए, भगवान और जीव दोनों क्वालिटी में एक है, दोनों भी भगवान के, दोनों भी जो है वो सारे गुण एक जैसे हैं, लेकिन शक्ति में हम अलग हैं। ऑब्वियसली सारे गुण भी नहीं है, पर जो गुण होने चाहिए जीव में वो हैं। जैसे जीव में 50 गुण हैं, हाँ, शिव जी में 55 है, विष्णु में 60 है, और कृष्ण स्वयं में 64 है। हाँ, क्योंकि बाकी जो भगवान का नारायण रूप भी है, उसमें भगवान स्वयं जब नारायण के रूप में विस्तार करते हैं, तो उस रूप में भी वेणु माधुरी नहीं होता, भगवान नारायण कभी वेणु प्ले नहीं करते,
या रूप माधुरी, गुण माधुरी, कुछ कुछ लीला माधुरी वो आते हैं तो धर्म की रक्षा करते हैं। यहाँ भगवान जो है कुछ अलग से लीला भी कर लेते हैं जिसमें अट्रैक्ट करते हैं। कृष्ण का ये स्पेशल इनकार्नेशन होता है, स्पेशली ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार 28वें दिव्य युग में होता है। तो ये है, भगवान आते हैं बार बार, ब्रह्मा जी के हर दिन में आते हैं, लीला करके जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन, लेकिन हमारे लिए तो बहुत, मतलब बहुत समय के बाद वाला बात है। तो ऐसा कहते हैं कि कृष्ण है सूर्य समो माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया राधिका। कृष्ण जो है ये सूर्य के समान है, इनके इनको समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जहां कृष्ण नहीं है वहां मतलब आप पूरा अंधकार में जीते रहिएगा, आप सिर्फ संशय के दुनिया में ही जीवन बिताएंगे। तो यहाँ कहा गया है कि अगर, इसलिए भागवत का मूल उद्देश्य ही ये है, इसलिए ऋषि मुनियों ने, जो शौनक आदि ऋषि हैं, इन्होंने यही पूछा कि प्रभु हमें ये कृष्ण और बलराम के बारे में बताइए, क्योंकि इनको समझ लिया तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि सर्व संशय भिद्यते, हट जाएगा सारा। तो अगर आपने भगवद गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ा होगा तो उसमें कहा है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्म भावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वता। देखिए हम लोग अपना अज्ञान कितना निकालेंगे, एक अज्ञान निकलेगा फिर भी भरा रहेगा, दूसरा अज्ञान निकालेंगे फिर भी भरा रहेगा, लेकिन भगवान चाहे तो हमें अंदर से सब कुछ रिवील कर सकते हैं। तो ये जो 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है, इसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तेषाम, उन भक्तों को जो बहुत प्रामाणिक है, तेषाम एवानुकंपार्थम, एव अनुकंपार्थम, मैं अनुकंपा करके, आप में से कोई बता पाएगा कि दया करुणा और अनुकंपा में क्या फर्क है, बताइए। तो 1 मिनट दूंगा, ज्यादा समय नहीं। किसी को मालूम है तो ट्राई मत करिए, जिसको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मेरे को फील हो रही है तो आप फिर बताइए। दया मतलब प्रभु जी मटेरियल मटेरियल दया जब ठीक हम है करते हैं, ठीक है करुणा मतलब जब हमारे ऊपर ये साधु संग साधु जब हम हमारे पे करुणा करते हैं कि जीव है भूल गया है कृष्ण को, और भगवान हम पर अनुकंपा करते हैं, वो हाईएस्ट लेवल है दया का। तो वेरी गुड, ये तुमने मेरे लेक्चर में कहीं सुना होगा लगता है, या तो जी हाँ बाबूजी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा आपका आपका तो अर्पण प्रभु जी विजयी बाबू। तो दया जो है ये मतलब नॉर्मल लोगों को भी हो सकती है, किसी गरीब को देख के आपको दया आ सकती है, सब है। करुणा जो है उस दया से ऊपर है, मतलब आपने मांगने नहीं आए हो कोई, लेकिन आप खुद से जाके दे रहे हो, उसको बोलते करुणा। और अनुकंपा मतलब आपका उससे, वो आप ही का है, यानी जीव जो है वो भगवान का है और भगवान तत्पर है, और भगवान थोड़ा सा मौका देख रहे कि थोड़ा सिंसियर हो जाए मैं पूरा कर दूं, उसको बोलते अनुकंपा। तो तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम, भगवान कह रहे हैं अहम, मैं अहम अज्ञान जम तमहा, मैं उसके सारे तमोगुण से आने वाले अज्ञान को निकाल देता हूं। हाँ विकास नेगी जी करे, गीता क्लास से बात है बराबर। अहम अज्ञान जम तमहा, हाँ मैं पूरा उसका अज्ञान हटा के उसको तमोगुण से उखाड़ के निकाल देता हूं। हाँ फिर वो कहते हैं अहम अज्ञान जम तमहा नाशयामि आत्मभावस्थो, हाँ और आत्मभाव को, जो जो इस कचरा को नाश करके मैं उसको हाईएस्ट रियलाइजेशन पे लाके रखता हूँ। ज्ञान दीपे न भास होता, उसके हृदय में मैं ज्ञान का दीप जला देता हूँ। और कौन सा ज्ञान, जिससे संसार की सारी चीजें उसको डिकोड होते हुए दिखती है। ये संसार का कोड ऐसा है ना कि या तो आप जिंदगी भर इसको सुलझाते रहो, सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या तो भगवान के चरणों में चले जाओ, एक के बाद एक सोल्यूशन ही दिखाई देगा। आप खुशी खुशी के मारे लोगों को बताना चाहोगे लेकिन फिर भी किसी को समझेगा नहीं आपको सब समझ में आ गया, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, चल क्या रहे, नहीं चल रहा है, पॉलिटिक्स क्या, अर्थशास्त्र क्या है, न्याय क्या है, सब समझ रहा है, बताना भी चाहते हो, लेकिन फिर सामने वाला ही नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो सिंसियर नहीं है
इसलिए सामने वाले को भी अगर क्वालिफाई करना है बताने के लिए, तो उसको भी भक्ति योग से ही जोड़ना होगा। तो हाँ, ये जो जैसे आप लोग कभी, आप में से कितने लोग सुडोकू खेले? सुडोकू, सुडोकू क्या बोलते हैं उसको, 1 2 9 जो रहता है, बॉक्सेस में लिखने होते हैं। तो उसका रूल ये है कि पहले पहले ना बहुत कठिन जाता है, पहले कुछ 10 12 आंकड़े निकालने में बहुत समय जाता है, लेकिन एक बार वो आंकड़ा निकल गया ना, फिर बाकी आंसर फटाफट 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 फटा, 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 उधर उधर। तो वैसे ही ये जीवन का जो कोड है, यानी ये जो कॉम्प्लिकेटेड मेश बना हुआ है, ये पहले नहीं छूटेगा। पहले आप बहुत ट्राई करिए 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 करिए, लास्ट में जब भगवान को पुकार लेते हैं प्रभु आप ही बचाइए, तो वो फिर भगवान धड़ 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 करके सब सॉल्व कर देता है। आपको सब दिखता है, ओ ये ऐसा हुआ, ओ माय गॉड ये इसलिए हुआ, ओ ये अच्छा हुआ, है ना। पहले हम गाली देते रहते, नहीं, अन्याय हुआ मेरे साथ, भगवान पार्शियल है। भगवान को ऐसे है ना कि भगवान पार्शियल भी है और पार्शियल नहीं भी। ये उनकी अचिंत्य शक्ति है। भगवान खुद गीता में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए सम हूं, असुरों के लिए, सुरों के लिए, सबके लिए, प्राणियों के लिए, राक्षसों के लिए, सबके लिए, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रियः, मैं किसी का न द्वेष करता हूं न मुझे कोई अति प्रिय है। देखो खुद ही बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन में, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों को समान प्रेम करता हूं, नमे द्वेषोस्ति न प्रियः। इधर तक बोल दिया तो ऐसा लग रहा है वह न्यूट्रल है। अगले लाइन में क्या बोलते हैं, ये भजंती तू मान भक्त्या महिते तेषु चाप्य हूं, लेकिन अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो मेरे लिए खास हो जाता है। अब बताओ तो ऊपर वाले लाइन में बोल रहे मैं इक्वल हूँ, और दूसरे लाइन में वो बोलते हैं नहीं मैं स्पेशल भक्तों को ध्यान देता हूँ। हाँ ये तो एक्चुअली हमारे डेमोक्रेसी के रूलर्स की तरह हो गया, बोलते आप सब प्रजा मेरी है, लेकिन अंदर में सिर्फ पैसा जो है मैं मेरे लोगों को ही दूंगा। हाँ? तो ये एक प्रकार से भगवान की इस अचिंत लीला को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भगवान के भक्त जो है ना वो इस संसार के नियमों को छोड़ के उनके पास भागते हैं। क्योंकि आप है ना भगवान के पास ऐसे नहीं जा सकते, भगवान का भक्ति करना भी ऑन दैट प्लेटफॉर्म आप कर ही नहीं सकते, भगवान परीक्षा लेंगे आपको। आप जप करना चालू करिएगा, देखिए आप जप करना चालू करिए, फिर आपको कोई बोलेगा अरे वृंदावन गए नहीं तू, वृंदावन नहीं गए आप, वृंदावन वृंदावन, वो बोलता है मेरे भजन करके क्या फायदा, मुझे वृंदावन जाना चाहिए। अच्छा अब भगवान खुद क्या करेंगे मालूम है आपको, या तो कॉलेज में है तो कॉलेज में, या ऑफिस में है ऑफिस में, वो क्या करेंगे आपको ऐसा मैनेजर या ऐसा बॉस के अंदर रख देंगे जहां आपको छुट्टी ही नहीं मिल रहा है, मौका ही नहीं मिल रहा है आपको जाने का। अब आपको झूठ ही बोल के जाना पड़ेगा, आपको देखिए ऑप्शन है, सीधा बोलोगे वो मना कर देगा, है ना, पेरेंट्स को बोलोगे पैसा नहीं देंगे, कुछ तो हो जाएगा। तो झूठ बोल के ही वृंदावन पहुंचवाएंगे भगवान, और आप लास्ट में कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले हो, लेकिन अगर आपको भगवान का प्रेम पाना है तो फिर आप जाके झूठ बोलते हो, सर मेरे मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, वो आईसीयू में एडमिट है, मतलब कोरोना के सारे वेरिएंट एक साथ आ चुके हैं मम्मी में, अभी हमको जाना होगा। और आपको झूठ बोलने में भगवान मजबूर करेंगे, और भगवान वो परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कि इसने अपना देहात्म बुद्धि का जो भी इसका स्तर था उसको त्याग करने की तैयारी दिखाई है, तब भगवान जाके जो है वो कृपा करते हैं। भगवान बोलते हैं नहीं तुमने भी एक स्टेप नियम से बाहर लिया तो मैं भी तुम्हारे लिए एक स्टेप नियम से बाहर आ जाता हूं। आज तक जितने भी हिस्ट्री में डिवोटीज हुए हैं हम लोग देखते हैं, एक मुलाकात एक भक्त के साथ, क्या क्या हो रहता है ना आजकल, एक आता है एक भक्तों की जीवनी पे आ रहा है, तो वो जो जीवनी पे आता है तो देखिएगा हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ यूनिक है, कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ एकदम परीक्षा जैसे है कि वो नहीं करता तो शायद फिर भक्त नहीं बनता। तो भगवान क्या करते हैं, बराबर उस भक्त को ऐसे परीक्षा लेते हैं। हाँ तो आप ये मत सोचे कि भगवान का भक्ति करना इतना आसान है, आपको लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे, कह रहे रे रे ये भरी जवानी में एंजॉय करो यार, क्या कर रहे हो तुम ये सब छोड़ो। ये सब बूढ़े लोगों का काम है। हाँ
हालांकि बूढ़े लोग खैनी खाने में लगा हुआ है वाला चीज, हाँ बुढ़ापे में क्यों भक्ति आएगी, जिसको जवानी में नहीं आया उसको बुढ़ापे में क्या आएगा। एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा, बीरबल ये जो काम वासना है ये कब खत्म होती है? बीरबल ने बोला महाराज ये तो कभी खत्म नहीं होती, ये तो मरते दम तक रहती है और फिर अगले जन्म में भी निकलती है। गुस्ताख तुम गलत बोल रहे हो, अरे आदमी बुढ़ा हो जाए तो फिर कहाँ ये काम वासना बचेगी, ये नहीं रहेगी। तो बोला नहीं महाराज ऐसा नहीं है, ये बुढ़ापे तक रहता है, मैं नहीं मानता। तो बीरबल बोले ठीक है वक्त आने पर हम आपको बता देंगे। और फिर कुछ महीनों बाद उनका जो अकबर का जो खाना बनाने वाला था हलवाई जो खाना बनाता है वो बीमार हो गया, और मतलब वो अंतिम समय में था, बूढ़ा था। तो उसने इच्छा किया कि मैं मरते समय अब पूरे अपने राजा के परिवार को एक साथ देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इनकी सेवा की है। तो बीरबल बोलते हैं कि महाराज ऐसी ऐसी उसकी इच्छा है, तो आप पूरा परिवार जो है उसके सामने जाए ताकि वो आप सबको देखे और फिर सांस छोड़े। तो बोलते हैं ठीक है क्योंकि उसने हमारे इतने सालों से खाना बनाया है तो हमको जाना है। तो अकबर उसकी पत्नी बाकी उसकी बेटी ये सब सज धज के आए, आज जो ही सज धज के आए तो ये बुढ़वा जो है मरते मरते भी उसके बेटी को देख रहा था। ये स्टोरी प्रभुपाद जी बताते। तो बोले अकबर देख के बोलता है बीरबल तू सही बोला है बुढ़ापे तक नहीं जाता। हाँ तो हमारे जो अनर्थ हैं ये ऐसे के ऐसे पड़े हैं और इसको अगर कोई बुढ़ापे में भी निकालना चाहे तो नहीं कर सकता। तो हमें बहुत लोग बोलेगा नहीं बुढ़ापे में भक्ति आ जाएगा, बुढ़ापे में भक्ति नहीं आएगा, जो जिंदगी भर पाल के रखा है वही निकलेगा बाहर, वही निकलेगा बाहर। इसलिए हमें कौमारम आचरित प्राज्ञो यंग एज में ही भक्ति करके ये सब कचरों से निकल जाना है। तो हमें 10वें अध्याय का जो 11वां श्लोक है इस लेवल पे अपने आप को लाना है कि भगवान अनुकंपा करके हमारे अंदर का कचरा निकाल दे, नहीं चाहिए हमें। मुझे आज भी याद है जब मैंने मंदिर ज्वाइन किया था तो भगवान को बस एक ही प्रार्थना किया था जाके कि भगवान देखो अब मैंने केवल और केवल आपको पाने के लिए ये मैं आया हूं, तो मुझे सत्य के सिवाय और कोई दर्शन ना देना, मुझे केवल सत्य का दर्शन देना। और भगवान ने कृपा करके आज तक सत्य का ही दर्शन दिलवाया है। हाँ एक्सपोज हो जाता है सामने वाला कुछ करता है और वो एक्सपोज हो जाता है, तो सत्य का दर्शन करवाना। तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जो सत्य है उसी का दर्शन करवाना, अज्ञान में अब नहीं रहना है। हो गया अनेक जन्म हमने अज्ञानता के लिए दे दिए, हम सब योनियों में से घूम के आ चुके हैं, जो जो अनुभव करना था सब कर लिया, कुछ भी नहीं मिला, अब एक जन्म मिला है। प्रभुपाद बोलते हैं एक जन्म मिला है आपको, आप कृपया करके यहां से निकल जाइए, निकल जाइए सब। प्रभुपाद बोलते हैं निकल जाओ नहीं तो यहीं फंसे रहोगे। तो यहाँ पे कहा है कि ये सूर्य सम जो भगवान है ये हमारे माया रूपी अंधकार को हटा सकते हैं। 22वां श्लोक लेते हैं, अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनिम। सर्टनली देयरफॉर सिंस टाइम इमेमोरियल ऑल ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैव बीन रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड विथ ग्रेट डिलाइट बिकॉज सच डिवोशनल सर्विस इज एनलाइवनिंग टू द सेल्फ। तो यहां पे कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि आज कोई कर रहा है या कल कल कोई भक्ति कर रहा था, ये अनादि काल से चलते आ रहा है, ये अनादि काल से चलते आ रहा है फ्रॉम टाइम इनमेमोरियल नित्यम। अतो वै कवयो नित्यम, नित्यम मतलब फ्रॉम टाइम इनमेमोरियल, कवय है यानी सारे ट्रांसेंडेंटलिस्ट यानी जो भगवान को जानने में लगे हुए हैं वो लोग, ये नित्यम भक्तिम परमाया मुदा भगवान की सेवा में। एक कोई हिंदू ज्ञानी है वो यूट्यूब में डालता है कि देखो इस्कॉन वालों ने निराकार का उपासना के बजाय भक्ति 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 लिख दिया, तो यहाँ तो क्लियर भक्ति भक्ति वर्ड है। पिछले हमने अभी ये 22वां श्लोक है, मुझे लगा 22 में से 15 श्लोकों में वो भक्ति वर्ड लिख रखा हुआ है। लेकिन लोगों को भक्ति नहीं करना है, निराकार की उपासना करनी है, तो वो अपना कैवल्यम वर्ड लेके बैठे हुए हैं। और जबकि पतंजलि योग सूत्र में कैवल्यम का मतलब है जब आप भगवान से प्रत्यर्थ संबंध जोड़ लेते हैं उसको कैवल्य कहा गया है। तो ये ज्ञान नहीं पाते।
भक्तिम परमया मुदा, और क्या वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म सेल्फ प्रसादनिम, ये आप आत्मा को एनलाइवन करता है। तो इस मार्ग को सभी ने अवलंबन किया है और इस मार्ग को अवलंबन करके सबने भगवान को जाना है, क्योंकि जब हम भगवान को जान जाते हैं तो आगे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, जो मुझे लगता है तीसरा अध्याय आएगा उसमें आएगा, भगवान के सब अवतार हैं, गुण अवतार, पुरुष अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, ये अलग अलग भगवान रूप से सभी जीवों के साथ आदान प्रदान करते हैं। वो कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सारा दिया हुआ है। अब हमें केवल क्या करना है, हमें केवल उसमें प्रवेश करना है। तो भगवान को जानना है, भगवान की सृष्टि को जानना है, और उसके बाद हम जब पूरा सब समझ में आ जाएगा तो पूरी तृप्तता के साथ भगवान का निरंतर भजन करना है और दूसरों को इस भजन से जोड़ना है। जैसे नारद मुनि करते हैं ना, नारायण नारायण, सबके अज्ञान को दूर करते हैं, ऐसा कुछ आग लगा के आते हैं कि वहां एकदम मतलब माहौल जो है वो एकदम हिला देते हैं। कई बार हमारे भक्त इस संसार में आराम से रहने की बात करते हैं, प्रभु कुछ पैसा कमा लेते हैं और फिर आराम से भजन करेंगे। भैया जिसका भजन तुम कर रहे हो ना, वो खुद आराम से बैठता नहीं ना बैठने देता है। वो आपको हिलाने में ही टक 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 हिला के आपके अस्तित्व को नोक झोंक करने में मजे लेता है। हाँ, तो क्यों आप इस आशा में बैठे हो कि हम कृष्ण का भजन कर ले और आराम भी कर लेंगे। इस जीवन में मिलने से रहा आपको। या तो हरि भजन ही छोड़ दीजिए, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं ना कि कृपया करके वृंदावन मत जाइए, क्योंकि वृंदावन जाइएगा तो फिर आप केसी घाट भी जाइएगा, और अगर केसी घाट गले चल चले भी गए तो वहां वो त्रिभंग ललित कृष्ण को मत देखिए, क्योंकि वो एक बार उसको किसी ने देख लिया तो ये संसार के मोह माया में वो रह नहीं पाता। तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो कहते हैं जाके केसी घाट में भगवान कृष्ण का दर्शन करिए। तो भगवान की इन लीलाओं में वो शक्ति है कि आपको इस मोह से वो अलग कर देती है और सारा इस संसार का ज्ञान भी आपको बता देती है। इसलिए प्रायः जो भागवत के जानकार होते हैं या भागवत विधि को पालन करने वाले होते हैं, वो कभी भी बहुत ज्यादा ज्ञान मार्गी काम नहीं करते। बहुत ज्यादा ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उनको मालूम है ज्ञान एक लेवल तक शुष्क है और सत्वगुणी, और भक्ति जो है वो वासुदेव स्थिति है, वो शुद्ध सत्व है। ठीक है, हरे कृष्णा। हम कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, स्पेशली वो पूछे जिनको मौका नहीं मिलता। कल एक प्रभु जी ने बोला कि प्रभु जी वो जो पूछ रहे थे मैं उनको रोक दिया, उनका सवाल ये था कि लोग सेंटा क्लॉज की तरह कपड़ा पहनाते हैं भगवान को, तो क्या ये सही है? तो पहली बात, शास्त्रों में प्रॉपर विधि विधान है, धोती कुर्ता है ना, ये सब हम भगवान को पहनाते हैं, जैसे संता बंटा मत बनाइए। है ना, वो कभी कभी हमारे भक्त जो है भावुक होते हैं, वो पहना देते हैं, तो वो नहीं पहनाना चाहिए। भगवान जो है देश काल पात्र से परे हैं। कभी कभी हम इंडियन फ्लैग भी पहना देते हैं, मैंने देखा है कि इंडियन फ्लैग पहना देते हैं, तो वो भी नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र जो है ये अभी 1947 में बना है और कल को और शासक आके झंडा को जला के फेंक भी देगा, नया नया झंडा आ जाएगा। तो झंडे को भगवान के ऊपर न डालें, ये भी गलत है। आपको चाहिए तो उधर फूल चाहिए तो उस कलर उसके डाल दीजिए, पर भगवान को कलर, भगवान को राष्ट्र के अंदर मत घुसाइए, राष्ट्र भगवान के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो चीजें हैं वो कुछ भक्त करते हैं, ठीक है उनका भाव है, परंतु इस चीज को प्रैक्टिस में मत डालें, क्योंकि फिर एक ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, और किसी को सवाल है तो हरे प्लीज कृष्ण पूछ प्रभु सकते जी, धन्यवाद प्रणाम। हैं। जी नाम बोलना। हाँ प्रभु जी, मेरा नाम राधा राजन गोपीनाथ दास है, यस रमणी रंजन पांडा बोलिए। अभिलाव लिखा है। प्रभु जी, यस थोड़ा मैं वो अनुकंपा और करुणा का डिफरेंस थोड़ा मैं नहीं समझ पाया, थोड़ा समझाना। बोलिए। इसके ऊपर मैंने अलग क्लास दिया है गीता पे, पर ठीक है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक्चुअली दिखने में वो सेम है, जैसे दूध से ही रबड़ी बनता है, रबड़ी से ही खावा बनता है, हाँ जो उसका गाढ़ा पार्ट है, पेड़ा पेड़ा। तो वैसे ही अनुकंपा में दया है, पर दया में अनुकंपा होगा ऐसा जरूरी नहीं। लाइक दया जो है वो एक माइल्डर वर्जन है, यानी आपके पास कोई भिखारी आया, गरीब आदमी आया, सर मेरे को पैसा दो, मेरे को नहीं है, मेरा माँ भूखा है, मैं भूखा हूं, तो आप एक 100 रुपीज निकाल के देते हो, दया है।
वो कंपैशन, लेकिन जो करुणा है वो होता है साधुओं को। वो देखते हैं कि ये भक्त जन जो है, ये जीवात्मा जो है भटक रहा है, तो वो करुणा करके आपको पुकारते हैं, आइए आप भगवान से जुड़िए, नाम लीजिए। तो करुणा करते आपके पास जाते हैं, आप उनको धुतकारते हो फिर भी वो जाते हैं, नहीं नहीं आओ सुनो। हाँ, जैसे हमारे भक्त स्ट्रीट्स पे खड़े होके ग्रंथ वितरण करते हैं, तो दया करुणा है वो। अब उसके ऊपर भगवान का क्या है कि भगवान के हम अंश हैं, और भगवान तो अनादि काल से तत्पर हैं कि वो अपने से ही आपको टारगेट लेके बैठे हो कि कब ये मेरे को एक बार पुकारे और मैं इसका उद्धार करूं। वो बस आपकी इच्छा का इंतजार कर रहे हैं, तो क्योंकि वो स्वतंत्रता नहीं लेते ना, वो छीनना नहीं चाहते आपके फ्री विल को, इसलिए वो जो वेट कर रहे हैं, जो आपका ट्रू फ्रेंड होता है ना, वो आपके लिए वेट करता है, वो छीनता नहीं। तो इसने क्या किया, वो अनुकंपा जो भगवान का है, वो अनुकंपा मतलब वो देख लेते कि इसने थोड़ा सिंसेरिटी दिखाया, तो उसके हृदय में जितना कचरा है वो खुद अपने से ही साफ कर देते हैं। वो मांगने भी नहीं आता। जो भक्त है वो ये नहीं बोलता कि नहीं प्रभु मेरे को साफ करके दे दी, ना 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 ना, वो अपनी तरफ से ही एवरीथिंग इज फ्री। ठीक हरि बोल हरे कृष्ण। है, इसलिए उसको अनुकंपा कहा गया। थैंक यू यस, सर। और एक कोई सवाल ले सकते हैं? किसके लिए हाथ खड़ा किया? हरे हाँ, कृष्णा प्रभु यस, जी। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। यस बोलिए माता जी। बोलो बोलो। हाँ प्रतिभा बोल रही हूँ, जमशेदपुर हाँ, से। अच्छा, एक सुलभा हाँ माता जी आई हुई है, प्रतिभा माता जी काम करेंगे, सुलभा माता जी को पूछने देते हैं फिर, क्योंकि उनका वीडियो आ गया है, और प्रतिभा माता जी आप इसके बाद पूछिए, ठीक है ना? हाँ सुलभा जी माता सर, जी, जरूर यस प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, यस जरूर माता जी प्रणाम प्रभु जी। जी। ये अनुकंपा और करुणा, इसका एग्जाम्पल हम लोग ध्रुव महाराज या प्रहलाद महाराज ऐसा कुछ दे सकते हैं? मतलब कौन सा तो ज्यादा अनुकंपा समझेगा कि क्या है ये? मतलब जो है ना, ये भगवान ही कर सकते हैं। समझा? जो अनुकंपा है वो भगवान कर सकते हैं, जहां वो एक्सक्लूसिवली, जो जो जैसे किसी, जैसे कोई भिखारी है, उसको अंबानी ने अपना बेटा बना के सारा प्रॉपर्टी दे दिया, तब आप उसको अनुकंपा लेवल से मान सकते हैं। उसको 1,000 रुपए दे दिया, एक बंगला दे दिया, वो भी कुछ नहीं, अपना सारा दे दिया, तो ये भगवान है, भगवान अपना सारा दे देते हैं उस भक्त के ऊपर खुश होके, इसलिए उसको अनुकंपा कहा जाता नहीं है। यार प्रभु जी, मतलब भगवान ने उनके ऊपर अनुकंपा किया है क्या, ऐसा मैं बोल रही हूँ प्रभु जी? हाँ, उनके ऊपर अनुकंपा कह सकते हैं हम, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर तो अनुकंपा ही करते हैं भगवान, है ना? तो यस, एनीवेज, इसको ज्यादा चिथारिया नहीं, जितना चिथारिएगा तो ये और फाइनर फाइनर में मुझे भी खोज करना पड़ेगा। थैंक यू ठीक है, प्रभु, हरे प्रभु कृष्णा। ऐसा प्रतिभा माता जी को बोलने दीजिए, फिर आपने प्रभु सवाल जी, किसी को करना। हाँ, प्रतिभा हरे माता जी को कृष्णा बोलने प्रभु दीजिए, जी। फिर आपको। यस माता जी, एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है, आप भी बोलते हैं कि स्त्री को पुरुष के सुरक्षा में रहना चाहिए, पिता के, उसके बाद पति के, उसके बाद पुत्र में। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी पत्नी को किसकी सुरक्षा में छोड़ के संन्यास ग्रहण किए थे? भगवान की सुरक्षा में छोड़ दिए थे। देखिए, जब कोई सन्यास लेता है ना, तो सन्यास से बहुत ऊंचा स्थिति है, तो चैतन्य महाप्रभु जिस काम के लिए आए थे, वो तो इस समाज को, कलयुग के लोगों को भक्ति सिखाने के लिए आए थे। तो जब वो गृहस्थ रूपी अपना कर रहे थे, तो उनके लोग उनके भाव को समझ नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि अब लोगों का उद्धार करना है तो संन्यास लेना होगा, तो उन्होंने अपने पत्नी को भी जो है छोड़ के फिर उन्होंने संन्यास लिया। तो ऑब्वियसली साधारण जीव को इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे तो ये कर पाए। तो उन्होंने जब छोड़ दिया, तो ऐसा होता है कि जो ही आप संन्यास ले लेते हो, तो भगवान स्वयं जो है उस परिवार का उद्धार करने के लिए, उस परिवार को सब कुछ पहुंचाने के लिए रखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भगवान सब भूल जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी में कोई ज्वाइन करता है और देश की रक्षा के लिए सब कुछ कंधे पे बंदूक लेके जाता है, तो भारत सरकार जो है, या सरकार कोई भी होती है जिसकी आर्मी होती है, वो उस अपने अपने आर्मी मैन के परिवार को और उनके पूरी रक्षा, उनके उनके इतने सारे फैसिलिटीज होते हैं, जैसे हमारा कोई सामान होता है
1,000 रुपए का है तो उनको 100 रुपए मिलता है, या उसके अलावा कुछ उनको अगर फैसिलिटीज चाहिए, उन्होंने एक बार बोल दिया तो इमीडिएटली जो कमांड है उधर का कमांडिंग ऑफिसर वो उनको स्पेशली वो प्रोवाइड करवाता है। उनका जो जस्टिस है उनका अलग मिलिट्री पुलिस होता है जो ध्यान से उनके केसेस को सॉल्व करता है फास्ट फास्ट ट्रैक पे। तो जो इस देश के लिए इतना करता है तो उसको इतना दिया है, तो जो भगवान के लिए उतरा हुआ है तो भगवान उसके लिए क्या नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम मुझे घर वाले बोलते थे अरे तुम ऐसा कर लोगे तो फिर हम तुम्हारी बहन का शादी कौन करेगा, फिर तुम्हारा ऐसा कौन होगा, और मेरे 5 बहनें उधर से इधर से एक बहन है सबका शादी हो गया, सबका हो गया, वो छोटा भाई है उसका सब सब जो है कजिन ये वो सबका हो गया, सबका हो गया। ये बोलने का बात है, अननेसेसरी फियर बना के रखते हैं लोग, मटेरियल फियर कैसे होगा, वो बस नाटक है। ये संसार अपने आप चल रहा है और चलते रहेगा, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपका आप नहीं छोड़ के जा रहे हो तो फिर आपको अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए, और छोड़ के जा रहे हो तो वहां जाके इधर का दायित्व में नहीं घुसना चाहिए। ये नहीं कि आप मुझे मैं साधु भी बन गया और घर का प्रॉपर्टी भी मुझे चाहिए, तो ये डोंगी बाबा नहीं बनना है। संन्यास लेना है तो फिर पूरा मुस्कुराते हुए संसार को मलमूत्र की तरह त्याग करके भगवत सेवा में लग जाना चाहिए। ये संसार केवल कीचड़ है, कीचड़, इसमें कहीं सुख नहीं है। इसमें हर कोई जो है 5वें स्कंदन के एक अध्याय में आता है, आप इंग्लिश में खोज सकते हैं, फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, उसमें कहा गया है, हाँ उसमें कहा गया है कि सारा का सारा जो जितने हमारे रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स हैं इस सब का एक एक रोल बताया है, जंगल की तरह कंपेयर किया, जंगल के प्राणियों की तरह। तो जिसको ये ज्ञान हो जाए वही मुक्त हो सकता है, जिसको ये अभी भी ज्ञान नहीं है तो वो थोड़ा सा जंगल में और दिन रह सकता है। ठीक है ना, हरे कृष्ण। श्रीनाथ प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी हमारे ऊपर भी आप अनुकंपा कर दीजिए। आपके 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 केस में भगवान नारायण का हम पे अनुकंपा के बजाय मुझे ना भगवान नारायण पे अनुकंपा करना पड़ेगा। मैं करता हूँ प्रभु जी, आपसे बात भी करता हूँ। थोड़ा ठंडी का समय थोड़ा जाने दीजिए, थोड़ा कुछ हमारे चैलेंजेस है उसको एक बार खत्म हो जाता हूँ आपको करेंगे, पूरा करेंगे। बस वही है कि जैसे चेतन महापुरुष बोलते थे कि मैं ये कृपा सबको देना चाहता हूँ लेकिन हाथ में उतने हाथ नहीं है, मेरा बांटने के लिए आम बहुत है पर हाथ उतने नहीं है। तो हम सबको अभी जैसे जैसे और लोग ज्वाइन करेंगे तो इसको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे नगर आदि ग्राम पे तो करना ही है। करेंगे प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। आप ऐसे याद दिलाते रहिए। यस, हरे कृष्ण। ऐसे याद दिलाते रहिए, मैं भी प्रार्थना करूंगा भगवान हो सकता है कोई दूत भेज दे, है ना। यस, तो अभी समय हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब पुनः मिलेंगे कल। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनंत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण।